धन्यवाद सर. रेलवे के ऊपर बहस हो रही है, मैं कुछ सुझाव ही खाली रखने वाला हूँ. मैं मंत्री जी को निवेदन दिया था कि कोकण रेलवे पे खेड़ और महाड़ और खेड़ तक बीच में कोई स्टेशन नहीं है, तो शिव बुद्रुक में एक स्टेशन बनाइए. उसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है. कराट चिपलून रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ है बनाने का, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि कराट चिपलून के बजाय, चिपलून तो आता ही है बीच में, गुहागर तक बनाइए. गुहागर के ये समंदर का किनारा है, वहाँ शिपिंग कंपनियाँ हैं, वहाँ माइंस हैं बॉक्साइट की, उसका उपयोग ज़्यादा हो सकता है और वो पूरा इलाका बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकेगा. कोकण रेलवे के रेलवे की तरफ से ट्रेन नंबर 11003 और 11004 जो चलाई जाती है राज्य रानी करके, और शताब्दी दूसरी ट्रेन है, उसको खाली 15 कोचिस हैं, और 15 कोचिस होने की वजह से बहुत सारी भीड़ होती है, 400 वेटिंग रहता है. तो हमारी रिक्वेस्ट ऐसी है कि हाई पावर इंजन लगा के इसके 23 कंपार्टमेंट करेंगे तो बड़ी सुविधा हो जाएगी, और ये करना मुश्किल कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए. रत्नागिरी मडगांव ऐसी एक ट्रेन चलती है, रात को इस तरह से चलती है, जाती है और आती है, तो रात को ही वो पहुँचते हैं बहुत देर से, उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं. वहाँ 4-5 खाली पैसेंजर रहते हैं, वो बंद करके मुंबई से सावंतवाड़ी तक और एक ट्रेन चलाएंगे तो अच्छा होगा. रेलवे का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है मुंबई बुलेट ट्रेन. मतलब बुलेट ट्रेन बनेगी तो उसको विरोध में करने का सवाल नहीं आता, लेकिन बुलेट ट्रेन बनाने के पहले मैं चाइना में गया था. बुलेट ट्रेन ब्रेन बहुत है वहाँ, लेकिन बिल्कुल कॉमन ट्रेन जो रहती है वो ट्रेन भी 200 किलोमीटर से चलती है. मेरे ख्याल से ये कैसे बढ़ाने का, उसका स्पीड कैसा बढ़ाने का, इसका सोच होना चाहिए. दूसरा ऐसा कि मुंबई रेलवे के पास पैसा नहीं ऐसा बोला जाता. मैं बहुत दफ़ा ये सुझाव दिया हूँ कि मुंबई में बड़े पैमाने पर शहर में रेलवे की ज़मीन है जिसके ऊपर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हुआ है, वो इंक्रोचमेंट अगर निकालेंगे तो एक तो रेलवे की पटरी भी बढ़ सकती है, ट्रैक भी बढ़ सकते हैं, मालगाड़ी अलग जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोकल ट्रेन बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, क्योंकि रेलवे ही एक चारा है लोगों को आने जाने का. उसका उसके ऊपर सरकार कोई खास विचार करती है ऐसा नहीं लगता. हालांकि बुलेट ट्रेन की बातें करती है, वो बुलेट ट्रेन भी ब्रिज बना के जाएगी, ये तो एलिवेटेड रहेगी, इससे बहुत बड़ा खर्चा होगा, या अंडरग्राउंड होगी तो खर्चा होगा. जहाँ जमीन है उसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. दूसरा ऐसा है कि मुंबई के लोगों को इतनी तकलीफ है, इतनी भीड़ है, वो भीड़ कम करने के लिए रेलवे के डिब्बे बढ़ाने चाहिए, रेलवे ट्रैक बढ़ाने चाहिए, उसके ऊपर खास विचार नहीं होता. मेट्रो वगैरह हो रही है वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो खास अभी जो रेलवे है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से थाना तक, कल्याण तक जाती है, या चर्चगेट से विरार तक जाती है, वो ट्रैक बहुत अच्छे करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, और वो उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए. ये प्रयोग हो रहा है एसी कंपार्टमेंट का, मेरे ख्याल से वो ठीक अच्छी बात है. उसके उससे लिए लोग भाड़ा भी ज़्यादा देने के लिए, रेंट ज़्यादा टिकट बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन गरीबों के लिए कुछ डिब्बे खाली रखिए, इतना ही मेरा कहना है. धन्यवाद. धन्यवाद.